हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। यार बहुत ज़्यादा ठंड है सरहान में। कल रात को मैं आपको होटल व्यू दिखाना रह गया था, तो लेट्स गो। अभी मैं आपको होटल व्यू दिखाता हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सो अमर शाहू साइनिंग इन फ्रॉम सरहान, मैं फ्रॉम माई स्पीति ट्रिप। होप आपको पहले वीडियो अच्छे लगे होंगे, एंड थैंक्स फॉर लाइकिंग एंड कमेंटिंग ऑन दैट वीडियो। और आज का डे कैसा होता है मैं आपको अपकमिंग इसमें दिखाता हूँ। चलिए बाय बाय अभी के लिए। यार यहाँ तो लाइट ही नहीं है, लेकिन थैंक यू, गर्म पानी ज़रूर है यहाँ पे। तो हमने कर लिए हमारे सारे बैग्स पैक्ड, अब हम निकलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। पराठा, छोले की सब्जी है, पूड़ी है, पोहा है, ब्रेड से यहाँ कुछ है। हाय, गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट हो चुका है, बट मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है, द व्यू। एंड द व्यू देखिए गाइस, एंड वहाँ पे है पोस्ट ऑफिस, भारतीय पोस्ट ऑफिस। निकलने से पहले हमें पता चला है कि हमारे होटल के बिल्कुल पास में एक श्री भीमा काली जी का मंदिर है, तो चलो आपको वहाँ लेके चलते हैं। ऐसे धूप बहुत निकल चुकी है, प्यारी प्यारी धूप। बिल्कुल पहाड़ों में धूप मिलना मतलब भाई सुकून है, सुकून है। धूप मिलना मतलब सुकून है भाई। Thank you.
देखते हैं हमारे को ट्रैवलर्स का जोश कैसा है। हाउ इज द जोश गाइस? हाय सर। हेलो, तू भी कैसी है? के बारे में थोड़ा बता दीजिए। हमारा होटल स्रान के पास है, नियर माता भीमा काली टेंपल के पास में ही है। जो भी क्लाइंट आना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं आप। ये सराहन में है, नियर माता भीमा काली टेंपल के पास में। बाकी जो भी आप लोग रूम यहाँ पे आके दिखा दीजिए इनको, रूम जो भी लेता है तो उस साइड वाला रूम लेना उसका। हाँ जी, हाँ जी, वो हमारे पास टू टाइप की कैटेगरी है, एक सुपर डिलक्स विद बालकनी है, एक नॉर्मल कैटेगरी है जिसमें विदाउट व्यू वाली है। सुपर डिलक्स सीजन में 3500 का है और जो नॉर्मल वाला है वो 2200 रुपीज़ का है, ओनली रूम। तो ये थी भैया ने बता दिया अपने होटल के बारे में। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप यहाँ आके इनसे होटल रेट्स थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाएगा ना? हो जाएगा सर, डिपेंड करता है सीज़न के ऊपर, सीज़न कैसा रहेगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ देख सकते हो। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, 7650091003। ठीक, 7018855763। चलो ठीक है, मिलते हैं गाइस। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और साथ में ही माता के दर्शन के बाद सबके जोशों के साथ हम निकल चुके हैं चिटकुल की ओर। हमारे लोकेशन से अप्रॉक्स 4-4.5 घंटे का रास्ता है और गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं चिटकुल विलेज, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर। ये अप्रॉक्स 11,320 फीट पे है और अभी का टेम्परेचर लाइक -5 degrees है। तो धूप की वजह से इतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं लग रही है लेकिन फिर भी ठंड काफ़ी है। सेकेंडली और आइए इधर, ये हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा जो है चिटकुल में। तो हम यहाँ हमारा लंच करेंगे, लाइक देखते हैं मैगी या राजमा चावल और उसके बाद मोमोज वगैरह कुछ मिल जाए। तो लेट्स गो। भाई नीचे बर्फ जमी है और ये बर्फ स्नोफॉल वाली नहीं है, एक्चुअली ये पानी वाली है, ग्लेशियर जैसा जिसे बोलते हैं। पानी जमी हुई बर्फ है नीचे। लेट्स सी, अगर जाने का रास्ता होगा तो हम भी जाएंगे।
या किसी होम स्टे वाले को बोल सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो। भैया का फेमस है राजमा चावल, कुछ भैया की फोटोज है। हाँ भैया इधर राजमा चावल कर दिया मैंने। कर दिया आपने? हाँ करते हैं, खाने से पहले करना पड़ेगा। तो भाई आखिरी टेम्पल, आखिरी ढाबे पे हमारा लंच हो चुका है। यहाँ सिर्फ राजमा चावल ही मिल रहा था तो उसी की प्लेट हमने खाई है। अभी यहाँ से हम जा रहे हैं मंदिर। मंदिर का नाम क्या है भाई? कुछ यानी मंदिर का नाम मैं बताता हूँ, चलो ऊपर में ही है। Let's see. भाई ठंड हो रखी है। अब आईफोन दिखा रहा है -5, एंड्रॉयड दिखा रहा है 0। सो मुझे ऐसा लगता है लाइक आईफोन चूतिया बना रहा है सीरियसली, क्योंकि 0 degrees ओके, -5 होती तो हम से नहीं चल पाते। तो अब हम जा रहे हैं रिवर साइड, वहाँ नीचे अ लिटिल बिट
बहुत खड़ी चढ़ाई है, मतलब उतार में भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। मेरा जूता में ग्रिप नहीं है और मैं फिस लूंगा तो कोई हंसेगा नहीं, चोट लगेगा चलेगा। कमन बॉयज यो वी आर ड्रैगिंग ब्रो, आ जाओ ये ये भाई, मैं फिस लूंगा तो कोई हंसेगा नहीं, ठीक है? कोई बात नहीं ब्रो, आ जाओ। हिंदुस्तान के आखिरी ढाबा के बाजू से इसका रास्ता निकल जाता है, तो आप बहुत मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत है, बाद में तो बहुत इजी रास्ता है ये उतरने के लिए, चढ़ने का पता नहीं। बर्फ जमी हुई है थोड़ी सी, फ्रोजन रिवर टाइप, पानी भी तो थोड़ा सा है। हेलो, बहुत प्यारा लग रहा है। Let's go to the river side. Oh. बहुत प्यारा व्यू है गाइस। बहुत अच्छा लग रहा है, बस यही देखने के लिए तो मैं बार बार पहाड़ों पे उठ के आता हूँ। बस यहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से ऊपर और ऊपर, ग्रीन कलर का आपको दिखी गई वो ढाबा ही है। Thank you.
आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ड्रोन शॉट्स भी है और बाकी सारी वीडियोस भी, और मैं ट्राई करूँगा और अच्छा करने का। अगर कुछ भी कंप्लेंट हो या फिर और कुछ भी सजेशन हो तो आप मुझे बता सकते हो। और हम निकल चुके हैं चिटकुल से हमारे स्टे के लिए। स्टे अप्रॉक्स एक घंटा दूर होगा, तो ठंड बहुत हो चुकी है, तो अभी थोड़ा ट्रैवलर में बैठ के थोड़ा गर्म हो जाते हैं, थोड़ा सा हाथ मुँह बहुत ज़्यादा अकट गया है, तो हम थोड़ा मतलब यहाँ थोड़ा सा जाते जाते थोड़ा गर्माहट हो जाएगी। और रात का टेम्परेचर भी मैंने चेक किया, लाइक -10 डिग्री दिखा रहा है, तो होप थोड़ा सा सारी चीज़ें सही से हो जाए। बाकी मिलते हैं होटल में। होटल पहुँच के मैं आपको होटल का व्यू भी देता हूँ, होटल के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स भी मिल जाएगी, और स्टे कैसा है, बाकी सारी चीज़ें भी। तो मिलते हैं होटल में। फाइनली हमारे होटल पहुंच चुके हैं। होटल नहीं बोल सकते, होम स्टे है यहाँ पे नॉर्मल। और यहाँ थोड़ी छोटी मोटी दिक्कत है क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, तो पानी जम भी जा रहा है, तो पानी आने की बहुत दिक्कत है यहाँ पे। और बाकी नॉर्मल होम स्टे है, लाइक यहाँ एक नॉर्मल बेड है, डबल बेड, और यहाँ एक सिंगल बेड, मतलब तीन लोग आराम से सो सकते हैं। ये कुछ मेरा स्टफ है, तो अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने, और खाना खा के हम बिल्कुल सो जाएंगे। ठंड अप्रॉक्स -5 डिग्री है, और रात को ये जाएगा -9 डिग्री तक, सो पता नहीं क्या होगा। बाकी मिलते हैं कल सुबह। कल सुबह मैं होटल के बाहर का व्यूज़ और बाकी सारी चीज़ें दिखा दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूले। सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स और बाकी सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर स्पीति आने का प्लान करो तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।